हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी मनी एंड फाइनेंशियल की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 हमारा फाइनेंस मीनिंग रोल एंड काइंड, जिसमें आज हम फर्स्ट वीडियो में कवर करेंगे व्हाट डू यू नीड टू नो फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, आपको अपने एग्ज़ाम के लिए क्या जानना ज़्यादा ज़रूरी है? तो पहले तो 3 क्वेश्चंस हैं, ये कुछ एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस हैं, वो बता देती हूँ मैं आपको। डिफाइन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, पर्पस ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। एनी वांटेड टू रेज 60,000 ऑफ स्टार्टअप कैपिटल फ्रॉम अ वेंचर कैपिटलिस्ट रेदर देन अरेंजिंग अ बैंक लोन, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विथ हर? ठीक है, ये क्वेश्चन आप तब सॉल्व कर पाएंगे जब हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देने का यही एक मोटिव था कि आप लोग इस चैप्टर को और अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, फिर कीप योर यूनिट समरी शीट अप टू डेट। ठीक है, आइए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन हमारा क्या है? फाइनेंस, दिस इज़ मनी। ठीक है, फाइनेंस की जब भी बात होती है तो फाइनेंस हम लोग किस चीज़ से रिलेटेड होता है? हमेशा मनी से। ठीक है, कोई भी किसी को भी फाइनेंस करता है तो वहाँ पे मनी वर्ड ज़रूर आता है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या आता है? दिस इज़ वेयर वी गेट फाइनेंस फ्रॉम। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वो फाइनेंस होते हैं जहाँ जहाँ से हमें पैसे मिलने के चांसेस होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।